इस खूबसूरत जगह में एक कोविड केयर सेंटर खोल रखा है कि कम्युनिटी के लिए नहीं है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हमारे शेड्यूल कास्ट भाई लोग भी हैं, सब लोग यहाँ पर अच्छे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। डी जे हल्ली, के जे हल्ली के बारे में जो पिछले साल कुछ नेगेटिव खबरों के बीच में रहे, जिंदगी से कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है, कसर नहीं छोड़ना चाहिए ज़िंदगी को बचाने के लिए, किसी की भी ज़िंदगी हो या जानवर की ज़िंदगी हो या आदमी की ज़िंदगी हो, आदमी मतलब आदमी या मर्द या किसी की भी ज़िंदगी हो। बहुत खुशी हो रही है शादाब शादी महल टैनरी रोड में आते हुए, ये केजे हल्ली और डीजे हल्ली के जो नौजवान लड़के हैं ये सब मिलके बड़े बुज़ुर्गों और कौम के जितने जनरस डोनर्स हैं उनकी मदद से एक बहुत ही आरामदायक कोविड केयर अस्पताल इन्होंने खोल रखा है। यहाँ के अगल बगल के लोगों को शायद मन में डर होगा कि कहीं बाहर जाएंगे तो हम इस अते पते का नाम देंगे तो उनमें घबराहट होगी, इस कारण उन्होंने यहाँ इस खूबसूरत जगह में एक कोविड केयर सेंटर खोल रखा है। ये कोविड केयर सेंटर ये यहाँ आप देख रहे हैं मेडिकल टास्क फोर्स और यूनाइटेड इंडिया सेकुलर फोरम, ये केवल एक ही कम्युनिटी के लिए नहीं है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हमारे शेड्यूल कास्ट भाई लोग भी हैं, सब लोग यहाँ पर अच्छे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और अभी सुनने में आया कि 65 से ऊपर मरीज यहाँ आए और अभी केवल 14 मरीज यहाँ अभी इलाज करवा रहे हैं और यहाँ पर किसी का भी इंतकाल नहीं हुआ और बड़े अच्छे दर्जे के डॉक्टर्स यहाँ पर हैं और BBMP और सरकार का मदद इनको पूरा मिल रहा है और मैं इनका ताजुबात करना चाहता हूँ, कंग्रेजुलेट करना चाहता हूँ कि जो डीजे हल्ली के जे हल्ली के बारे में जो पिछले साल कुछ नेगेटिव खबरों के बीच में रहे उसको ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए उन्होंने एक अच्छा ऐसा काम किया है ताकि सबसे सबका इससे मदद हो। और ज़िंदगी से कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है और ज़िंदगी को जब हम बचा सकते हैं तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए ज़िंदगी को बचाने के लिए, किसी की भी ज़िंदगी हो या जानवर की ज़िंदगी हो या आदमी की ज़िंदगी हो, आदमी मतलब आदमी या मर्द या किसी की भी ज़िंदगी हो। सो मैं सबको ताजुबात देना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और आगे भी इसी तरह का भाईचारे का काम चलते रहे ताकि जान बचाएँ। और अभी पता चला कि जो तीसरा लहर के बारे में अखबारों में है या मीडिया में है जो हम सुन रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने तैनात कर लिया अपने आप को। सो इधर के अगल बगल वालों को किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा फैसिलिटी है, जब भी आ सकते हैं यहाँ पर फीवर क्लिनिक में जो डॉक्टर हैं उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं या उससे अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को ज़्यादा बीमारी हो तो उसकी भी इलाज यहाँ अच्छी तरह से चल रही है। वैक्सीनेशन को लेके कई लोग, और हाँ मैं इसको बोल रहा हूँ, वैक्सीनेशन को लेके मैं पूरा कर्नाटक में बहुत से अपने मुसलमान भाइयों से और दूसरे लोगों को जिनको कि वैक्सीनेशन के बारे में बड़ा शक का सवाल था उन लोगों से मैं बातचीत किया हूँ। मैं शिमोगा में, हुबली में, बेलगाम में, बीदर, कलबुर्गी, रायचूर, वाड़ी सब जगह जाके बहुत से लोगों को मैं एड्रेस किया हूँ और उनके माइंड में जो डर है कि वैक्सीन से उनको साइड इफ़ेक्ट होगा चाहे वैक्सीन से उनको नुकसान होगा, ये इन गलत खबरों पर आप विश्वास मत कीजिए। यह वैक्सीन जो है हमारे साइंटिस्ट, हमारे मुल्क के साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने मिलकर तैयार किया है, ये आम जनता के लिए है, ऊपर से लेकर नीचे सबके लिए भी है। मैं भी दो टीका ले चुका हूँ और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि इसके बारे में गलत खबरों को पर विश्वास मत कीजिए, इसको या अफवाहों पर जो है आप विश्वास मत कीजिए, टीका लीजिए और सेहतमंद रहिए। और कोरोना से बचने के लिए बस एक ही रास्ता है, मास्क पहनिए, दूरियां बनाइए, हाथ पैर साफ रखिए और टीका लेते रहिए। बस आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे नौजवानों पे 10 से 15 दिन में इतनी बेहतरीन कोविड केयर सेंटर इन्होंने ये है। जब अच्छे काम करने के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है तो मैं देखा हूँ बिना सोचे समझे लोग उन पर विश्वास करके आगे आ जाते हैं और ये इन्होंने अच्छा एक स्कीम बनाया है, बहुत कम ही दिनों में काफ़ी पैसा इसमें खर्च हुआ है और जब भी कोई एक आदमी आगे कदम लेता है तो लोग देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन है, क्या है करके। सो अच्छे लोगों ने मिलके एक कदम लिया, सो सारी कौम आगे बगल वाले लोग इनके ऊपर में
एक विश्वास रखे इन पर, एक हिम्मत रखे कि चलो अगर हमारा पैसा यहाँ बर्बाद नहीं होगा, इस तहत बड़ा अच्छा फैसिलिटी इन्होंने क्रिएट किया है, आईसीयू का फैसिलिटी क्रिएट किया है, ऑक्सीजन यार्ड बनाया है इन्होंने, उसके बाद में खाने पीने की व्यवस्था चल रही है, डॉक्टरों की देखभाल चल रही है, एम्बुलेंस है, उसके बाद में यहाँ पर एक शख्स से मिला कि जिनका कहीं अगर कोविड के दौरान कहीं बाहर में कहीं भी कहीं इंतकाल हो जाए तो उनकी मिट्टी की व्यवस्था, जनाजा उठवाने का इत्यादि सब चीज़ की भी बहुत ही इज्जत से, बहुत ही इज्जत से ये अपना काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को यह न मन में पहुँचे कि उनके ऊपर कोई बेइज्जती से उनके साथ कोई पेश आ रहा हो करके, क्योंकि इंसानियत सबसे चीज इम्पोर्टेंट है। कोरोना इंसानों को ले सकती है लेकिन इंसानियत को नहीं ले सकती। मैं इस बात शुक्रिया।